एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली कल्पना क्रिएटिव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आए हो बहुत अच्छे होंगे। सो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और आदि और मैं आज चले हैं वापस, सामान सारा पैक है। सो आज फाइनली मायके से विदाई हो रही है। ये व्लॉग मैं आपके साथ बहुत लेट शेयर कर रही हूँ और यहाँ पे मम्मी थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे क्योंकि इतने टाइम आदि से अटैचमेंट हो गई है ना। एवरी वन वेलकम बैक। सो आज है सेकेंड डे और हम लोग पिछले कल आ गए थे शाम। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, अर्ली मॉर्निंग है, 6-7 बजे का टाइम हो रहा है। सो मैंने अभी अपना थोड़ा सा वर्कआउट कंप्लीट किया, थोड़ा सा योगा, और ये देखिए मेरा माऊ भी उठा हुआ है। आराम से खेल रहा है अपने टॉयज के साथ और बहुत अच्छी बात है, अब बैठना शुरू कर दिया है। अब मैं इसे बिठा के रखती हूँ, टॉयज के साथ बिजी रखती हूँ, खुद काम कर लेती हूँ इधर उधर। सब बहुत खुश रहता है, अब स्माइल करता रहता है, बस इसको मैं सामने चाहिए होती हूँ। आज इसके अलमीरा सेट किया है मैंने, गर्मी के कपड़े इसके डाल दिए हैं, सर्दी के सारे क्लोज कर दिए हैं अपने भी। ये मैंने कल आके ही काम कर दिया था क्योंकि मेरे पास फ्री टाइम था। और वो देखिए वहाँ पे कितना बड़ा ढेर लगा है, सारे विंटर के हैं। अभी जस्ट मैंने जो घर पहनने वाले हैं वो ही निकाले हैं। ये वाली अलमीरा, इसको मैं कल परसों करूँगी। आज तो मैंने आदि की अलमीरा की सफाई की है ना मम्मा? इसको बस ना खेलने को ज़्यादा हंसता रहता है 24 आवर्स। बस मैं अभी चाय पी रही थी और मैंने सोचा व्लॉग भी कंटिन्यू कर दूं। सो कल हम आ गए और मम्मी का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था इसके बगैर, होता ही है ना, बहुत दिन आदत पड़ जाती है। सो वीडियो कॉल कर रहे थे बार बार, बट बहुत मज़े किए इसने भी नानी हाउस में, बहुत ज़्यादा मज़े, चिल मोड में था। और यहाँ भी दादू दादी इसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, होता है ना बच्चे के बगैर घर थोड़ा ऐसा ही लगता है। तो बस मैंने इसके अलमीरा सेट किया अभी बहुत। और ये देखिए वो ऑर्गेनाइज़र लिया था ना, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इसमें ना मैंने आदि के टॉयज़ रखे हैं, बाकी टॉयज़ तो खेल रहे हैं बट इकट्ठा करके ना इधर उधर फैले ना, तो इसमें रख देती हूँ। दूसरी बास्केट अभी यूज़ नहीं किया, कोई पूछ रहा था कहाँ से लिए हैं, तो मुझे ना यार शॉप का नाम याद नहीं है, मैंने रैंडम कोई शॉप देख ली वहाँ मुझे दिखे और मैं मतलब ले लिए। सो बस आज का मेरा काम है कि मैं आज ये वाले कपड़े हैं इनको एडजस्ट करूँगी, देखती हूँ बेड बॉक्स में जगह बनाऊँगी क्योंकि गर्मियाँ बहुत हो गई है, बहुत गर्मी लग रही थी कल भी। सिर्फ हमने सिंगल ब्लैंकेट लिया था रात को और आदि के लिए एक सॉफ्ट सी इसकी पर्सनल ब्लैंकेट है वो डाल के ऊपर से थोड़ा सा उड़ दिया था, अभी आराम से उठा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसे बहुत अच्छी आदत पड़ गई है वॉशरूम जाने की सुबह सुबह, और अभी 7 मंथ में एंटर कर चुका है। सो मुझे लगा इसको थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखानी चाहिए, अब मैं इसको सीधे वॉशरूम ले आती हूँ। मम्मी ने मायके में से बहुत अच्छी आदत डाल दी है वॉशरूम जाने की, और ये कभी भी बेड पे सुसु वगैरह बिल्कुल भी नहीं करता है, पूरी रात ऐसे ही रहता है और सुबह मॉर्निंग में ही करता है वॉशरूम में। तो फर्स्ट टाइम जब इसे वॉशरूम ले गए तो पहले देखता रहा कि क्या क्या चीज़ें हैं, बट अभी हैबिचुअल हो चुका है। और बच्चों को आई थिंक ये आदत ना शुरू से डालनी चाहिए, तभी वो कि भाई मेरा जो है ये टाइम है, तो फटाफट से रेडी हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि रोएगा या कुछ करेगा। सो बस अभी आराम से खेल रहा है तो मैं भी थोड़ा सा अपना जो रूम क्लीनिंग कर दूँ, वैसे तो 6:30 बजे के आसपास टाइम है, बट अपना काम करके रखो तो ठीक रहता है। और इसके बाद अब आपसे बाद में मिलूँगी, झाड़ू झाड़ू वगैरह करना है, थोड़ी देर बात करती हूँ, चाय पीती हूँ पहले आराम से, क्योंकि मैंने 5 बजे उठ गई थी, उसके बाद योगा वगैरह किया, फिर मुझे लगा अब क्या बेड पे लेट ना, कुछ काम ही कर लेती हूँ। तो मैंने सारे विंटर के कपड़े कल शाम के निकाले थे, आदि के कुछ अभी सेट किए हैं, इसके समर के निकाल दिए हैं, सारे विंटर के सारे क्लोज कर दिए हैं क्योंकि गर्मी आ गई है। एक दो हुडी रखे हैं इन केस कभी बारिश हो जाए तो। सो हम दो आदि थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, खेलेंगे, है ना मम्मा? आना है आना है, गोदी आना है इसे। अब जैसे कोई इसको बोलता है कि आना है तो ऐसे हाथ फैला देता है हगी के लिए। सो चलिए फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ आदि के साथ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ना बहुत अच्छा होता है बच्चे के लिए। थोड़ी बहुत चीज़ें इसको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, सिखा रही हूँ, अब देखती हूँ। टाइम बहुत लगता है यार बच्चों के साथ, जो जितने भी टॉडलर्स होते हैं ना, और 1 ईयर तक के बच्चे और 1.5 साल तक के बच्चे, बहुत टाइम लगता है बच्चे को ट्रेन करने में। बट मुझे लगता है मतलब बच्चा खेलने में भी मस्त हो और थोड़ा खेलने के साथ उसका दिमाग भी धीरे धीरे बढ़ता रहे, मुझे ये लगता है। और कोई मुझे बोल रहा था कि आप बच्चे को जो है इंग्लिश में बात करते हो, बच्चे से किसी ने मुझे बोला था। सो वो मैं बता दूँ कि बच्चे को आप सभी लैंग्वेज सिखाओ, मेरा ये मानना है, उसे पहाड़ी भी सिखाओ। अब हम हिमाचल से हूँ तो मैं चाहती हूँ उसे पहाड़ी भी आए। इवन मेरे मम्मी पापा इसको जो है पहाड़ी लोड़ी करके सुना रहे थे अभी इतने दिन, और मुझे भी आदत पड़ गई है, वैसे सोता भी है,
इसको सब आना चाहिए, और बिलासपुरी भी लैंग्वेज में से सिखाऊंगी, हस्बैंड सिखाएंगे, मुझे भी नहीं आती परफेक्ट। मैं चाहती हूँ ये ऑलराउंडर बने और इसकी जो लैंग्वेज की है वो सारी लैंग्वेज से आए, हिंदी भी अच्छे से आए, बिलासपुरी भी अच्छे से आए, पहाड़ी भी अच्छे से आए। क्योंकि अगर हम अपने अपनी जो लैंग्वेज है उसे भूल कर कुछ और इसे सिखाने लग जाए ना, तो वो भी सही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ इसे सब कुछ आए, और दादू दादी करते हैं इसके साथ बात। अच्छा, ओके ओके ओके, अच्छा ओके ओके। मॉर्निंग सुबह ही हो जाती है और सबसे पहले अपने रूम से शुरुआत होती है मेरी। सो बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम देखने की ज़रूरत होती है कि किस टाइम आप फ्री हो। बाहर धूप लग गई थी और मेरा झाड़ू पोछा अभी शुरू हुआ था, क्योंकि मैंने मॉर्निंग के सभी काम जो है वो रात को निपटा दिए थे। मतलब जैसे कि कपड़े वगैरह फोल्ड करने के थे, वो मैंने रात को कंप्लीट करके रखा होता है ऑलरेडी। सिर्फ थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह होती है, उसे मैं अभी करती हूँ। और बेड वगैरह क्लीन करना था वो, क्योंकि इतने दिन से ना रूम भी ऐसी मैसी पड़ा था, और आज जब मुझे ये होता है कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छी धूप थी, तो मैंने सोचा झाड़ू वगैरह भी कर लूँ। सबको गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छी धूप लगी है अभी, बहुत अच्छी गर्मी हो गई है ना। क्या टाइम हुआ अभी धूप का, धूप आने का टाइम, तो हम लोग अभी बाहर है, बहुत तेज़ धूप लगी है। आदि उठ गया है, इसे नहा धुला के फ्रेश कर दिया है हमने, और आज ना हमने वॉकर निकाला है बहुत टाइम बाद, क्योंकि अब बड़ा हो गया है, 7 मंथ में लगे आदि। सो यहाँ पे सुबह इसको हमने जोड़ने का काम किया है, और अब देखते हैं क्या करता है ये इस पे बैठ के। सो चलिए, अभी ना इसे थोड़ा सा अजीब लग रहा है इसमें, और अभी इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद इसे डेली आदत बन जाएगी, है ना। थोड़ा सा डर रहा है मतलब इसमें बैठ के। सो आज पहली बार आदि को इसमें बिठाया है, मतलब प्रॉपर तरीके से। सो ये देखिए, पहले तो इसे थोड़ा सा ऑड लगा कि मुझे किस में बिठा दिया, रोने भी लग गया था, बट बाद में इसे थोड़ी सी आदत पड़ गई, और देखिए कैसा फेस बना रहा था। बस इसे ये था मुझे उठा दे कोई, पता नहीं मुझे क्या अजीब सी चीज़ में डाल के रखा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस आई थिंक सभी के लिए लाइफ में बहुत भयानक होता है, मुझे ये लगता है, मतलब सरप्राइजिंग होता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, बट धीरे धीरे उस चीज़ की आदत हो जाती है। तो यहाँ मुझे देख रहा था बार बार कि मम्मा मुझे किस में बिठा दिया है। सो मैं इसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दी कि थोड़ा खेल ले, ताकि इसे फिर आदत पड़ जाए, और अभी तो फिलहाल ये बहुत ज़्यादा मतलब वियर्ड बिहेव कर रहा था। सो हम इसे बस थोड़ा सा इसे कोशिश कर रहे थे हंसाने की, हस्बैंड और मैं दोनों ही इसे एंटरटेन कर रहे थे इस टाइम पे। इसको दबाओ यहाँ से आगे, वाह आदि किचन, और अभी बना रही हूँ लंच। सो लंच में आज बना रही हूँ दाल माश और गोल्ड की मिक्स। अभी खेल रहा है अपनी दादी के साथ वॉकर में, और बहुत एक्साइटेड है वॉकर को लेके, पहले डर रहा था बट अब अच्छे से खेल रहा है। सो मैं जल्दी जल्दी लंच बना रही हूँ, 12 बजे के आसपास टाइम हो रहा है, ताकि जल्दी जल्दी बन जाए और मैं फ्री हो जाऊँ, क्योंकि आज मुझे अपने समर के कपड़े निकालने हैं और विंटर के क्लोज करने हैं। बहुत टाइम बाद मैंने दुपट्टा निकाला है आज, एक्चुअली मैं अभी ना सफाई कर रही थी तब निकाला, और बहुत प्यारा सा कलर है इसका, पिंक कलर का, ग्रीन कुर्ती के साथ मैंने इसे पहना है। सो बहुत मतलब इतनी गर्मी से हो गई है, हमें क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी।
सो अब हमारे घर में एक बच्चा भी है तो उसका भी देखना होता है, तो बस सिंपल सा तड़का लगा रही हूँ। बाद में ऐड करूँगी मैं इसमें मसाले वगैरह, लाल मिर्च हो गई, गरम मसाला, अभी सिर्फ हल्दी ही ऐड कर रही हूँ। तो दाल बन गई है, चावल चढ़ा दिए हैं, चपातियाँ लगाना बाकी है, और आदि के लिए मैंने यहाँ पर सेपरेट रख दी थी दाल, और चावल को भी मैं ग्राइंड करके दे रही हूँ। अगर जिनके छोटे बच्चे हैं, चावल को आप ऐसे ना दें, डाइजेशन में भी थोड़ी दिक्कत होती है, आप ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना के फिर दाल के साथ दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं आदि के लिए सौंफ और अजवाइन का पानी भी बना रही हूँ, अपने लिए भी और आदि के लिए भी। आदि को भी मैं वही देती हूँ ताकि उसका डाइजेशन अच्छा हो। ये आफ्टर लंच जो है सेटिंग करनी है, वो देखिए वो सारे ना मैंने समर के कपड़े निकाल दिए हैं, विंटर के थोड़े बहुत है जो क्लोज करने बाकी हैं, और साथ साथ आदि की जो अलमीर है वो भी सेट हो गई है। और मैंने ना शेयर करना था, सो मुझसे किसी ने पूछा था कि आप अपना जो मैक का फाउंडेशन है वो शेयर कीजिएगा। मैं अब समर के लिए मेकअप एक लुक शेयर करने वाली हूँ फॉर मैरिड वुमेंस, और उसको जो है जो अनमैरिड लड़कियाँ हैं वो भी कर सकती है। तो सिंपल सा मेकअप कुछ ही दिन में शेयर करने वाली हूँ, सो उसमें मैं यूज़ करूँगी। यू पूछा था और 2-3 सब्सक्राइबर्स हैं मेरी, तो ये मैं आपको बता दूँ, ये वाला मैंने जो है 4-5 मंथ हो गए हैं इसको लेके, काफ़ी अच्छा है और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी कवरेज देता है ना, पर बीबी क्रीम की तरह भी काम कर लेता है, मतलब फुल कवरेज देगा आपको। और जब भी आप लें, अपनी स्किन टोन से एक टोन ज़्यादा लें, क्योंकि उसी से फिर आपको बेनिफिट होगा, आपका जो मेकअप है ना वो काफ़ी अच्छा निखर के आएगा। कभी भी अपनी स्किन से फाउंडेशन ना लें जो बहुत पैची और बहुत अजीब सा लगता है, एक टोन ज़्यादा लें तो सही रहता है। तो ये मैक फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छा है। ये मैंने कार्ट से कि अमेजोन, इन दो में से एक साइट से लिया था, क्योंकि मैंने कॉम्बो लिया था, उसमें हुडा ब्यूटी का मैंने कॉम्पैक्ट लिया था और साथ ही साथ मैंने कलर कोरेक्टर लिया था। तो 2-3 चीज़ें ना मैंने इकट्ठे ऑर्डर की थी, तो आप ना इसे नायका पे देख सकते हैं, भी देख सकते हैं, और फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी अवेलेबल है। और इसका प्राइस है 299 कुछ ऐसे के अराउंड था इसका, पर बहुत सही है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, के लिए बहुत बेस्ट है जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। मैं का ये भी बता दूँ, सो ये है सीसी क्रीम लैक्मे की, बहुत अच्छी है, ट्रस्ट मी। इसमें दो शेड आते हैं, डार्क और ये लाइट सा, तो आपने ना ये लेना है, इसका जो शेड नंबर है 01 बेज कलर, उसमें है ये, और 02-03 इस तरह से ये रेंजेस होती है। बट आप अंडर स्किन कभी ना लें, हमेशा एक टोन ज़्यादा लें, ताकि आपकी स्किन बहुत अच्छी, और इससे ना इतनी अच्छी कवरेज मिलती है, ऐसा लगता है कि मेकअप किया है। आप इसे लगा दो, हल्का सा लिप कलर लगा दो और यू आर रेडी टू गो। हाउसवाइफ्स और कॉलेज गोइंग, ऑफिस गोइंग गर्ल, सब के लिए है ये वाली मस्ट हैव है, क्योंकि रोज़ रोज़ आप फाउंडेशन लगा के कहाँ घूमोगे यार। मुझे तो लगता है कि डेली यूज़ के लिए इट इज़ बेस्ट। और ये मैंने छोटी पैकेजिंग ली है, क्योंकि मैं इस तरह की लेती हूँ छोटी सी। एक्मे फाउंडेशन है वो भी बहुत अच्छा है, उसमें भी आप जो है 018 इस तरह से शेड्स हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, शॉप पे जाके अपनी स्किन से एक टोन ज़्यादा लें। आपकी इंक्वायरी हो गई होगी पूरी, सो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो एक ऐसी चीज़ है ना जिसको करने के लिए एक टाइम होता है, परफेक्ट टाइम होता है, बट ये ऐसी चीज़ है आप जिसे एज अ क्रीम बोलते हो ना, आपके डेली यूज़ के लिए ये ठीक है। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में इस तरह का हैवी मेकअप अच्छा नहीं लगता है, बट ये ऐसा कि हैवी भी नहीं लगेगा और फेस पे जो पिंपल वगैरह उसको फुल कवरेज देता है, सो इट इज़ गुड। तो बस यही मैंने शेयर करना था, क्योंकि काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे आप लोग। और अभी जो है मैं लंच बन गया है, राइस मैंने चढ़ा दिए हैं, दाल रेडी है, चपातियाँ लगाऊंगी बाद में गर्मा गर्म। तब तक मैं सोचूं आदि सोया है, इन कपड़ों को थोड़ा सा सेट कर दूं अभी, क्योंकि आदि सोया है आराम से, थोड़े बहुत काम मेरे अभी हो जाएंगे। और कल हमें बहुत सारा काम करना है, कल हमें गर्मियों के जो रज़ाई वगैरह है ना वो हमें रखने हैं कवर करके, मतलब बिल्कुल उन्हें बेड बॉक्स में डाल देना है। और वो ऑर्गेनाइज़र जो लिए थे ना आप लोगों को बहुत पसंद आए थे, किसी ने पूछा था कहाँ से, यार मुझे शॉप का नाम नहीं पता है। ये देखिए इसमें ना मैंने आदि के डेली के जो टॉयज़ है वो रख दिए हैं, तो बहुत क्यूट लग रही है, यहाँ पे रख दिए ये, ये देखिए यहाँ पे बहुत क्यूट लग रही है। और दूसरी अभी यूज़ नहीं की, देखूँगी कहाँ यूज़ होगी, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ यूज़ करूँ। सो चलिए आपसे ना थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। सो गाइस, छोटा सा व्लॉग शेयर किया है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए। आदि की तरफ से, मेरी तरफ से आपको लॉट्स ऑफ लव गाइस।